हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्रंट स्लिट ओपन कॉलर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है और कपड़ा मेरा 3 मीटर का है, तो 2.5 मीटर कपड़े में ही ये कुर्ती रेडी हो जाएगी, क्योंकि लेंथ यहाँ पर 40 इंचेस है, रेडी लेंथ 40 इंचेस है और 3 इंचेस का हमने मार्जिन भी लेना है, तो 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो ये देखिए, रॉन्ग साइड में मैंने इसको रख कर फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है और फिर फ्रंट पार्ट की, क्योंकि बैक पार्ट हमारा फोल्ड में कटेगा और फ्रंट पार्ट हमारा सामने से ओपन रहेगा, इसलिए हमने उसको ओपन साइड से कट करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कपड़ा बिछा लेना है और जो कपड़े को हमने फोल्ड करना है, ये बॉडी मेजरमेंट में जो सबसे हैवी साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग हम कपड़ा फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर हिप साइज़ और चेस्ट साइज़ सेम है, तो चेस्ट में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं, तो चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो चेस्ट है 34 इंचेस की, 34 का हम 4th पार्ट निकालेंगे, 8.5 इंच हो जाएगा और उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे, तो 10.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर 10.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया, थोड़ी और दूरी पर हमने 10.5 इंच पर मार्क कर लेना है। इस तरीके से मार्क्स को पकड़ना है हमने और ऐसे कपड़ा फोल्ड करना है। तो 10.5 इंच पर लेकर मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और अब हमने मार्किंग करनी है। तो एक बार और चेक कर लेंगे, देखिए 10.5 पर आ रहा है। तो ऊपर की साइड से हमने एक मार्क कर लेना है, सीधा कर लेना है कपड़ा, और अब हमने इस तरीके से देखिए लेंथ मार्क करनी है। तो 40 इंच पर एक मार्क करेंगे, रेडी लेंथ 40 इंच पर है, 3 इंच और ऐड करेंगे तो 43 इंच पर, 43 इंच पर हमने यहाँ पर लेंथ मार्क कर ली है और इसको स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए 43 इंच पर हमने लाइन स्ट्रेट कर ली है और अब हमने ऊपर की साइड से मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर तीरा हमारा 13 इंच का है बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो कॉलर कुर्ती है इसलिए हम 1 इंच ऐड कर लेंगे, तो 14 इंच हो जाएगा और 14 का हाफ लेंगे, तो यहाँ पर 7 इंच पर हमने तीरा मार्क करना है। तो आर्म होल हम यहाँ पर 7.5 इंच का लेंगे, आधा इंच हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा, तो 7 इंच का आर्म होल हमारा यहाँ पर रेडी आएगा। और कमर की मार्किंग हमने यहाँ पर 14 इंच पर करनी है और हिप की मार्किंग हमने 21 इंच पर करनी है। तो ये वाली मार्किंग हाइट के अकॉर्डिंग होती है, हिप की और कमर की। तो यहाँ पर देखिए, हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है, ऊपर से 0.5 इंच छोड़ दिया और फिर नीचे 7 इंच पर मार्क कर लिया, तो टोटल 7.5 इंच हमने आर्म होल लिया है। अब हमने ये चेस्ट वाली लाइन भी स्ट्रेट कर ली है और हिप वाली भी और कमर वाली लाइन भी स्ट्रेट कर ली है। अब हमने यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट है हमारी 34 इंच की, चौथाई भाग मार्क करेंगे 8.5 इंच, और यहाँ पर हमने देखिए ऊपर से जो 7 इंच लिया है तीरा, वही 7 इंच मार्क किया और इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अब हमने कमर की मार्किंग करनी है, तो कमर है हमारी यहाँ पर 27 इंच की, तो 27 का हम चौथा भाग लेंगे, तो यहाँ पर हम 7.25 इंच पर मार्क कर लेंगे और उससे आगे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो चेस्ट में भी हमने आगे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। हिप साइज़ है हमारा 34 इंचेस चेस्ट के ही अकॉर्डिंग, और 8.5 उसका चौथाई भाग लिया और इससे आगे हमने 1.5 इंच लिया है, तो हिप साइज़ में हमने सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और इस तरीके से हमने ये लाइन ज्वाइन कर लेनी है, बाहर वाली लाइन्स भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्किंग हो गई है, इस लाइन पर हमने कटिंग करनी है। अब ऊपर से हमने नेक की मार्किंग करनी है, तो नेक लेंगे हम 3 इंच पर और इस तरीके से 0.5 इंच डाउन कर लेंगे और यहाँ पर आर्म होल की शेप डाल देंगे। और इस शेप को देखिए, यहाँ फिटिंग वाले पॉइंट से हमने मैच करना है। अब हमने नीचे की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर हमारी बॉटम है जो घेरा है वो भी हमने हिप के अकॉर्डिंग लेना है, 8.5 इंच पर मार्क किया और उससे आगे हमने 1.5 इंच ले लिया और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, सेम मार्किंग के ऊपर ही हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, कटिंग हमने कर ली है बैक पार्ट की और यहाँ पर हमने कट्स डाल लेने हैं हिप साइज़ में और चेस्ट साइज़ में, हमने कमर की साइज़ में हमने कट्स डाल लेने हैं। अब देखिए, ये जो पार्ट हमारे पास बचा है इसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके साइड कर लेंगे और इस पीस को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, किनारी से किनारी मिलाकर हमने फोल्ड करना है। तो देखिए, फोल्ड हमने कर लिया है और रॉन्ग साइड में फोल्ड किया है और ओपन साइड मैंने अपनी साइड रखी है, देखिए इस तरीके से। और 0.5 इंच की लाइन हमने यहाँ पर मार्क कर लेनी है, फ्रंट पार्ट के लिए हमने 0.5 इंच की लाइन मार्क कर ली है और इस 0.5 इंच को छोड़कर हमने इस बैक पार्ट को रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कॉलर वाली मैं कुर्ती बना रही हूँ राउंड कॉलर की, लेकिन ये फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट मैंने सेम कट करने हैं, वरना एक कुर्ती बनती है जिसमें हम बैक पार्ट 1 इंच बढ़ाकर कट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों ही पार्ट बराबर रखे हैं और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो अच्छे से पिनअप कर लेना है अपने दोनों ही
पीसीस को अच्छे से, ताकि कटिंग करते हुए हिले ना। तो नीचे से भी मैंने पिनअप कर लिया, साइड से भी, और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो बाकी पूरी कटिंग सेम तरीके से हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही पीसेस की कटिंग हो गई है। अब हमने बैक का पीस लेना है और यहाँ पर नेक की कटिंग करनी है। तो बैक वाले पार्ट में हमने 1/2 इंच नेक की लेंथ लेनी है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही पीसेस लेंथ में बराबर हैं, इसलिए हमने बैक वाले नेक की कटिंग सिर्फ 1/2 इंच पर करनी है। अगर हमारा बैक वाला पार्ट 1 इंच बड़ा होता है तो हम 1 इंच लेंथ का हम बैक नेक कट करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने फ्रंट नेक की भी कटिंग करनी है। इससे पहले हमने फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेना है। तो देखिए फ्रंट आर्म होल की भी हमने कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट नेक की हमने कटिंग करनी है। तो ये जो हमने 1/2 इंच लाइन मार्क की है, इस लाइन को हम छोड़ देंगे। इससे पहले हमने इधर को 3 इंच पर मार्क करना है, और लेंथ भी हमने 3 इंच लेनी है, विड्थ भी 3 इंच लेनी है, और इस तरीके से गोलाई की शेप डाल देनी है। और यहाँ पर हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक नेक की भी कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से बचा था वो मैंने 2 फोल्ड में रख लिया है। और इसकी जो चौड़ाई लेंगे हम, वो चेस्ट का 1/5 लेंगे और उसमें 1.5 या 2 इंच ऐड करके लेंथ ले लेंगे। तो चेस्ट का 1/5 करीब 7 इंच आएगा हमारे पास, और 2 इंच ऐड करके मैंने 9 इंच पर इसको फोल्ड कर लिया है। लेंथ हमारी 10.5 इंच रेडी है, तो 2 इंच और लेंगे। 12.5 इंच पर हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है ऊपर और नीचे से। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर गोलाई की शेप डालनी है। तो 3 इंच पर हमने गोलाई नीचे से मार्क की है। बॉटम मार्क करेंगे तो 4.5 इंच पर बॉटम है, और 1.5 इंच आगे एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पर शेप डाल देंगे, और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। तो अब यहाँ पर हमने 2 पीसेस पकड़ने हैं और इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की शेप डाल देनी है, और बॉटम साइड से हमने 1.5 इंच फोल्ड के लिए मार्क करना है, और यहाँ पर कट्स डाल लेने हैं ताकि स्टिचिंग करते हुए इजी रहे। और 1/2 इंच हमारा शोल्डर से अटैच करने में जाएगा, तो 2 इंच हमारा मार्जिन का कवर हो जाएगा। तो देखिए दोनों मैंने फ्रंट के पीसेस ले लिए हैं और सीधी साइड में इनको बिछा लिया है। अब हमने 2 पट्टियाँ लेनी है, एक 3 इंच की लेनी है और एक 2 इंच की। तो जो 3 इंच वाली पट्टी है, चौड़ी पट्टी है, उस पट्टी को हमने उल्टे हाथ की साइड में लगाना है। तो ये पट्टी हमने सेम उस तरीके से अटैच करनी है जैसे हम ब्लाउज़ में पट्टी अटैच करते हैं, हुक पट्टी और आई पट्टी, सेम वैसे ही करनी है। उल्टी साइड में देखिए यहाँ पर हमने ऐसे रखना है, उल्टी साइड से रखेंगे और सीधी साइड में ये पलट कर आएगी। तो ये पट्टी बढ़कर बनेगी, करीब 1 इंच तक ये बढ़ जाती है बाहर की साइड में। तो इसको स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर हमने सीधे वाले हाथ की साइड में ये 2 इंच वाली पट्टी रखनी है, और सीधी साइड से सीधी साइड मिलाकर रखनी है पट्टी की भी और कुर्ती की भी। और इस तरीके से रखकर यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेनी है, और फिर इसको पूरा अंदर की साइड इस तरीके से पलट लेना है। और पट्टी को स्टिच करते हुए हमने पट्टी को थोड़ा गले से बाहर की साइड निकाल के रखना है, थोड़ा ऊपर को रखेंगे ताकि फोल्ड करने में इजी रहे। तो यहाँ पर देखिए दोनों पट्टी मैंने स्टिच कर ली हैं, ये उल्टी साइड से स्टिच की है और सीधी साइड को ये पलट कर आएगी। यहाँ पर हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, इस तरीके से आएगी, और 1/2 इंच और फोल्ड करके हम इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे। तो जो सिलाई हमने लगाई है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे, और एक और स्टिच हम यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल किनारे पे। अब देखिए हमने ये सीधा वाला पल्ला ले लिया है, और यहाँ पर मैंने टॉप सीम भी लगा ली है, और इसको पूरा हमने इस तरीके से अंदर की साइड में पलट लेना है इस तरीके से, और फिर 1/2 इंच हमने इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने पट्टियाँ अटैच करनी है जैसे हम ब्लाउज़ में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पट्टियाँ अटैच कर ली है, और ये पट्टी देखिए 1 इंच बढ़कर आई है। ऊपर का मार्जिन, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, उसको हम कट कर लेंगे। इस साइड की पट्टी देखिए हमने अंदर की साइड पूरी फोल्ड की है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो ऊपर की साइड है उसको कट कर लेंगे। और यहाँ पर अच्छे से मैंने दबाकर प्रेस कर ली है, प्रेस आपने ज़रूर करनी है तभी अच्छे से फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से देखिए हमने सीधी साइड वाली पट्टी को उल्टी साइड वाली पट्टी के ऊपर चढ़ा के रखा है, और 4 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया है जो हम प्लेकेट खुला छोड़ेंगे। अब नीचे की साइड से हमने देखिए 12 इंच का हमने स्लिट ओपन रखना है, तो नीचे से 2.5 इंच हमने फोल्ड करना है, तो 2.5 भी ऐड कर लेंगे। तो 14.5 इंच पर मैंने नीचे से मार्क कर लिया है। अब ये ऊपर देखिए 4 इंच पर मार्क किया है, और नीचे यहाँ पर 14.5 इंच पर। तो इतना पार्ट हमने देखिए स्टिच कर लेना है।
और यहाँ पर भी हमने देखिए सीधी साइड में हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। ये पट्टी हमने जो अंदर की साइड फोल्ड की है यहाँ पर भी हम मशीन से सिलाई लगा लेंगे या तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ से अब हमने पक्का करके सिलाई स्टार्ट करनी है और नीचे जहाँ पर हमने 14.5 इंच पर मार्क किया है वहाँ तक कर लेनी है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है और नीचे आकर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सीधा इधर को स्टिच किया है, वापस ले लिया है। तो इस तरीके से प्लेकेट यहाँ पर बन गया है। अब हमने देखिए नीचे वाले पार्ट को सीधी साइड में रखा है, बैक वाला पार्ट भी इसके ऊपर रख लेंगे और दोनों की सीधी साइड अंदर की साइड मिलाकर रखी है। और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमने शोल्डर अटैच कर लेने हैं। तो देखिए शोल्डर हमने अटैच कर लिए हैं और यहाँ पर डबल डबल स्टिच कर लिया है। और अब हमने नेक का मेज़रमेंट लेना है। तो देखिए जो 1 इंच वाली बड़ी पट्टी थी उसको हम निकाल के रखेंगे और उसके बाद हमने इस तरीके से नेक को मार्क करना है। सेंटर पॉइंट हमने इस तरीके से मार्क करना है। तो 1 इंच जो बड़ी पट्टी है आगे की उसको निकाल के रखेंगे आगे की साइड और उसके बाद हम मेज़रमेंट लेंगे नेक का। तो इस तरीके से हमने मेज़रमेंट लेना है, किसी भी चीज़ को हमने खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से मार्क करना है। तो 8.5 आ रहा है ये, तो मतलब डबल में हो जाएगा 17 इंच और 1 इंच हमारे पास ये पार्ट आगे का बड़ा है तो टोटल 18 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बुकरम ले ली है और इसको हमने एक फोल्ड में रखा है, 7 इंच पर मैंने इसको फोल्ड किया है और इस तरीके से हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। पहले मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया और फिर ऐसे गोलाई दे दी। तो इसको मेज़रमेंट हम इसका यहाँ पर ले लेंगे। तो देखिए 9 इंच पर हमने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया है, तो ये करीब 9.5 इंच पर यहाँ पर आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हमने कम करना है। तो ये हमने 1/2 इंच ज़्यादा आ रहा था तो 1/4 इंच ही कम किया है और बाद में जो ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा उसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने गोलाई डालकर यहाँ पर शेप डाल ली है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले हमने यहाँ पर इसको पिनअप कर लेना है ताकि कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा ना कट हो। और जो कॉलर की हमने कटिंग की है वो नेक की बजाय थोड़ी सी ज़्यादा की है, बड़ी कट की है। तो कॉलर हमने थोड़ी सी बड़ी कट की है क्योंकि आगे की जो पट्टियाँ हैं वो 1 इंच बड़ी है एक पट्टी, तो इस वजह से। और बाद में ये बड़ा आएगा तो हम एक साइड से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े के ऊपर कॉलर स्टिच कर ली है और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच कर लेंगे। अब मैंने एक एक्स्ट्रा पीस लिया है और इसके ऊपर हमने ये वाला पार्ट रखना है, सीधी साइड से सीधी साइड मिलाकर रखनी है और इसको इस अच्छे से सेट करके देखना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये ऊपर सिलाई में आएगी, इस वजह से मैंने इसको इस साइड पलट लिया है। तो पलटने के बाद हमने अंदर वाली स्टिच लगानी है। तो किनारे से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, देखिए बिल्कुल किनारे से। तो यहाँ से हमने स्टिच लगानी स्टार्ट करनी है। तो इसके किनारे भी मैंने यहाँ पर बंद कर लिए हैं। जो इससे पहले मैंने कॉलर आपको बताई थी तो वहाँ पर मैंने कॉर्नर्स स्टिच नहीं किए थे, तो वो थोड़ा अलग टाइप की कॉलर थी। और बिल्कुल हमने बुकरम के साथ साथ में स्टिचिंग लगानी है और पिनअप ज़रूर कर लेना है ताकि बिल्कुल भी हिले ना पीस सिलाई लगाते हुए। और यहाँ से भी साइड्स भी बंद करके इसको उतार लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर क्योंकि गोलाई है तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट्स ज़रूर डालने हैं ताकि पलटने में आसानी रहे। कॉर्नर्स तक हमने छोटे छोटे कट्स डाल लेने हैं और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर अब हमने ये कपड़ा कट कर लेना है साइड से। तो मार्जिन हमने ज़रूर रखना है। अब हमने इसको इस तरीके से सीधी साइड में पलट लेना है और अच्छे से प्रेस से इसको बिठा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रेस कर ली है और अब हमने बुकरम के साथ साथ में बिल्कुल चौक से मार्किंग कर लेनी है क्योंकि जब हम इसको कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे तो इसी मार्किंग के ऊपर हमने सिलाई लगानी है ताकि कहीं से भी कॉलर बड़ा या छोटा स्टिच ना हो। तो देखिए अब हमने कॉलर का भी सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है, इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। और अब हमने कुर्ती का भी सेंटर पॉइंट देखिए इस तरीके से मार्क करना है, 1 इंच जो पार्ट बड़ा है उसको बाहर निकाल के रखना है और मार्क इस तरीके से कर लेंगे। अब हमने कुर्ती की देखिए रॉन्ग साइड ही सामने रखी है, उल्टी साइड सामने रखी है और सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट हम मैच करेंगे और इस तरीके से हम एक साइड में इसको मिलाएंगे। तो जिस साइड हमारी पट्टी बड़ी है, 1 इंच बड़ी पट्टी है, उसी साइड हमने देखिए पहले इसको स्टिच करना है। तो उस साइड में हमारा बिल्कुल ये बराबर आ रहा है सेंटर से मिलाने के बाद, और दूसरी साइड में देखिए करीब 1 इंच ये बड़ा आ रहा है। तो जिस साइड ये 1 इंच बड़ा है उधर हम मार्किंग कर लेंगे और इस तरीके से हम मार्क करके एक्स्ट्रा पीस को कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट से हमने मार्किंग से मार्किंग मिलाकर ही इसको स्टिच करना है क्योंकि यहाँ पर हमारी पट्टी एक आगे बड़ी है और एक छोटी है, मतलब एक पट्टी 1 इंच बड़ी है, तो इसलिए हमने सेंटर पॉइंट से ही इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। किनारे से इस टाइप की कुर्ती में कॉलर को अटैच नहीं करना है, तो वरना जो कॉलर की शेप है वो
ख़राब आएगी। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लेना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर स्टिच करना है, और जो हमने मार्किंग की थी बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हम किनारे पर आ गए हैं, और यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई किनारे की खोल लेनी है, बिल्कुल थोड़ा सा हमने खोल लेना है और यहाँ पर मार्क करना है, और इसको हमने अब स्टिच करना है। तो इस तरीके से खोलकर हमने ज़रूर करना है, तभी कॉर्नर्स में फिनिशिंग आएगी। तो अब हम यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मार्जिन को अंदर की साइड करेंगे, और जो सिलाई लगाई थी हमने उसी सिलाई के ऊपर ये कॉलर हमारी पलट कर आ जाएगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने यहाँ से कट कर लेना है, और इस तरीके से इसको पलटेंगे और कॉलर हमारी सही आ जाएगी। अब हमने दूसरी साइड की भी सिलाई लगानी है, तो पहले इस साइड में हमने कच्चा कर लेना है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना पीस हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्स्ट्रा पीस की कटिंग कर ली है, और इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई थोड़ी सी खोल लेनी है, और देखिए थोड़ी सी सिलाई खोलकर इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो कच्चा मैंने यहाँ पर कर लिया है, और किनारे से अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए जो हमने मार्किंग की थी कॉलर के ऊपर, उसी कॉलर वाली पट्टी के ऊपर, तो उसी मार्किंग के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, और आधा आधा इंच हमने कुर्ती का भी और कॉलर का भी मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए हमारी कॉलर अटैच हो गई है, अब हमने लास्ट एक सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, उल्टी साइड से हमने कॉलर लगानी स्टार्ट की थी, और पलट कर ये देखिए सीधी साइड में इस तरीके से आ जाएगी। तो अब हमने इस तरीके से इसको अच्छे से मार्जिन को अंदर की साइड करना है, और बिल्कुल किनारे की एक और सिलाई हमने यहाँ पर लगानी है। तो किनारे से, बिल्कुल किनारे से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट नहीं करनी है, थोड़ा सा आगे से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना, ताकि कॉर्नर्स में फिनिशिंग रहे, धागे वगैरह ना निकलें बाहर की साइड। और जिस जो हमने पहले सिलाई लगाई थी कॉलर अटैच करते हुए, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये वाली सिलाई भी आएगी कॉलर पलटने के बाद। तो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और मार्जिन को अंदर करेंगे, और अंदर वाली सिलाई हमारी बाहर की साइड नहीं दिखनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये कॉर्नर्स में हमने देखिए मार्जिन को अंदर की साइड कर लेना है पिन की मदद से, और कॉर्नर पर आकर हमने सुई नीचे डाल कर रखनी है, फिर थोड़ा सा टर्न करना है, और फिर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से पूरी ही कॉलर पर हमारी किनारे की सिलाई लग जाएगी, और कॉलर अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए हैं, तो यहाँ पर मार्जिन हमने सुई की मदद से अंदर डाल लेना है, और कॉर्नर पर आकर सुई नीचे डाल कर रखनी है, और फिर टर्न करना है। तो जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी बिल्कुल वहाँ तक आ गए हैं, और अब धागा निकाल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये कॉलर अटैच हो गई है, और अब हमने साइड्स की फ़िटिंग की स्टिचिंग कर लेनी है, और स्लीव अटैच कर लेनी है। तो जैसे हम और कुर्तीज़ और ब्लाउज़ में स्लीव्स अटैच करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव्स अटैच कर ली हैं, और फिटिंग की मार्किंग भी हो गई है। तो अब हमने चाक्स फोल्ड करने हैं, तो इसको उल्टी साइड में फोल्ड कर पलट लेंगे पहले। तो यहाँ पर नीचे की साइड से देखिए हमने 2.5 इंच पर फोल्ड करना है, तो नीचे से 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे दोनों ही पीसेज में, ताकि दोनों इक्वल रहें। तो देखिए एक फोल्ड इस तरीके से करना है, फिर एक और फोल्ड अंदर की साइड करना है। इस तरीके से हमने फ्रंट पीस को फोल्ड करना है, और बैक पीस को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। साइड्स के चाक हमने इस तरीके से फोल्ड करने हैं, और यहाँ पर प्रेस कर लेनी है और कच्चा कर लेना है, उसके बाद हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमने चाक्स अच्छे से फोल्ड कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देखिए, और चाक में और नीचे बॉटम में हमने प्रेस करके कच्चा कर लिया है, और सेंटर में हमने जहाँ पर ये स्लिट है, स्लिट से ऊपर के पार्ट में हमने बटन्स ऐड कर लेने हैं। तो बटन्स ऐड करने के बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बटन्स ऐड कर लिए हैं, और बटन्स मैंने वाइट कलर के ऐड किए हैं, क्योंकि इसके साथ जो पैंट है वो भी वाइट कलर की है, तो इसलिए मैंने बटन वाइट कलर के ऐड किए हैं, और कुर्ती हमारी बनकर बिल्कुल कंप्लीट है।